Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 6, the White Mouse Circus, page number 56 of your workbook. So today we are going to solve another question related to vocabulary. There are many ways of walking. Find 8 walking words in the word grid. One has been provided as are an example. Okay. आपके पास वॉकिंग जो चलने के तरीके होते हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन हर एक वॉकिंग वे को हम कोई ना कोई नेम देते हैं, ठीक है, हर एक चलने के तरीके को, ठीक है, हम कोई ना कोई नेम देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास टॉडल है, ठीक है, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है टॉडल। अब टॉडल का मतलब ये होता है मुश्किल से चलना, ठीक है, मतलब मुश्किल से चल रहा होता है बंदा, वो क्या होता है, टॉडल होता है। मैं यहाँ पे आपके लिए मीनिंग भी लिख देती हूँ, ठीक है, मुश्किल से चलना, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, एक वर्ड ग्रिड है, हमने इसमें से बाकी वेज ढूंढने हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे 8 वेज लिखने हैं। अब एक तो ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, सो यू डोंट नीड टू राइट द टॉडल अगेन, ठीक है। हमें बाकी जो हैं 7 वेज ढूंढने हैं, कौन कौन से हैं, 7 हम फाइंड आउट करेंगे, 8 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। सो नेक्स्ट विल बी लेट्स सी इन द ग्रिड, ओके, मार्च। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक और वॉकिंग वे है, वो है मार्च, ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया मार्च, पास्ट टेंस में लिख देंगे इसको, पास्ट जो है हमारे पास ये क्या है, पार्टिसिपल है, हम इसको पास्ट पार्टिसिपल में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स नॉट स्ट्रगल, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे इसको स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब होता है डगमगा कर चलना, ठीक है, डगमगाना नहीं होता उस तरह हम चलते हैं, उस वर्ड डगमगाने को हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड, ओके। नाउ वी विल फाइंड द फोर्थ वन, लेट्स सी स्टॉल्ट, ठीक है, स्टॉल्ट, स्टे आर यू डबल टी ई डी, इसको पास पार्टिसिपल में हम दे देंगे, इसका मतलब होता है अकड़ कर चलना, ठीक है, बहुत अकड़ कर चलना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन लिम्प्ड, एल आई एम, ठीक है, एल आई एम पी ए डी, लिम्प्ड, लिम्प्ड का मतलब होता है लंगड़ाना, ठीक है, लिम्प्ड का मतलब होता है लंगड़ाना, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे हमारे पास वे ऑफ वॉकिंग है, ठीक है, और इनको हम आगे भी यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे ये भी आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉडल तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, ठीक है, सो उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट अनदर वन, राइट, स्ट्राइडिंग, स्ट्राइडिंग मीन्स लंबे कदम लेना, ठीक है, लंबे कदम लेना, ओके। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं शफल, ठीक है, शफल्ड, या आप शफल भी लिख सकते हैं, पांव घसीट कर चलना,
घसीट कर चलना। ओके ईट रह गया है, ईट हिट हिट हम देख लेते हैं और कोई यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये स्ट्रोल ठीक है, इसका मतलब होता है स्टॉल का मतलब होता है टहलना ठीक है। सो ये हमारे पास 8 वे थे किसके, वॉकिंग के। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इससे रिलेटेड, यूज द वर्ड्स यू हैव फाउंड इन द ब्लैंक्स बिलो ठीक है। यू मे हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब पहले ही इसकी चेंज कर दी थी ठीक है, हमने यहाँ पे लिखते ही इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया था ठीक है। अगर आप चेंज नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं है, आप सिंपल भी इसमें लिख सकते हैं। बट सेकेंड क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने पहले ही फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज कर दिया था। अगर आप सिंपल जो है मार्च लिखते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं ठीक है, बेशक इसको इसके फॉर्म चेंज ना करें ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो आपने ऊपर वेज फाइंड आउट किए थे ठीक है, वॉकिंग वेज फाइंड आउट किए थे, सो आपने उनको क्या करना है, आपने उनको इस इन ब्लैंक्स में यूज़ करना है ठीक है। जो भी सूटेबल होगा आपने यहाँ पे उसको लिखना होगा ठीक है। बट यू हैव टू चेंज द वर्ब फर्स्ट ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वैसे मैंने पहले से ही वर्ब चेंज कर दी थी, पास्ट पार्टिसिपल में इनको लिख दिया था मैंने ठीक है। आप अगर ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर आके भी वर्ब चेंज कर सकते हैं ठीक है। सो द कैप्टन सलूटेड टर्न टू द लेफ्ट एंड डैश ऑफ क्विकली ठीक है, मार्च्ड ऑफ क्विकली ठीक है, मार्च ऑफ क्विकली। डेविड क्रैश्ड हिज एम्प्टी ग्लास डाउन ऑन द टेबल रोज क्विकली ठीक है। राइस की ये राइस रोज जो होता है ये आपके पास फॉर्म चेंज हुई हुई है किसकी, राइस की। राइस क्विकली रोज क्विकली एंड डैश आउट ऑफ द होटल ठीक है, स्टैगर्ड आउट ऑफ द होटल, staggered out of the hotel ठीक है। dressed in his new suit and keen to show it and himself to the world, shahid dashed down the street, shahid strutted down the street ठीक है। the man who had fallen and twisted his ankle dash into the doctor's surgery ठीक है, limped into the doctor's surgery ठीक है, लंगड़ाता हुआ वो कहाँ पे क्या डॉक्टर के पास क्यों, एंकल की सर्जरी के लिए ठीक है, limped as cool as a cucumber, Uzair just dashed into the doctor's office and sat down opposite the cool as a cucumber, Uzair just dashed into the director's office and sat down opposite the director himself. ठीक है, strolled 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 into director office. The boys could not keep up with the स्कॉट मास्टर एज ही वॉज डैश डाउन द पाथ एट द फियर पेस ठीक है, एज ही वॉज स्ट्राइडिंग डाउन द पाथ एट द फियर फुल पेस ओके। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अशेम्ड ऑफ व्हाट दे हैड done dash into the headmaster's room ठीक है, shuffled into the headmaster's room. The young child dash along behind his mother, toddle obviously मुश्किल से चलना toddle along behind his mother ठीक है, thank you so much।